तो देखिए, एक साथ 4.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 4.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड टू नंबर्स होज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स हैं जिनका सम आपको 27 दिया है और प्रोडक्ट 182 दिया है। तो दो नंबर पहले लेट कर लेंगे, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ओके, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, सम कितना दिया है 27, तो दोनों नंबर के सम को x प्लस वाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया 27। यहां डाल दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा इनका प्रोडक्ट 182, प्रोडक्ट सेकंड कंडीशन, तो प्रोडक्ट को x इंटू वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिया है 182। अब यहां से आप जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू लिखेंगे तो 182 अपॉन वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, जहां x लिखा है वहां लिखेंगे 182 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 27। इसका एलसीएम वाई आ गया, वाई का वाई में डिवाइड वन बार, वन का 182 में मल्टीप्लाई करेंगे 182, वन का डिवाइड वाई में करेंगे तो वाई रहेगा, वाई का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब देखिए, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन का इधर करेंगे तो आपका 182 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई का 27 में करेंगे तो 27 वाई। अब इसका ट्रांसफर कर लो, 182 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सही फॉर्म क्या होती है, पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई वाला पोर्शन लिखेंगे माइनस का 27 वाई, और ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल सबसे लास्ट में लिखा जाता है इज इक्वल टू 0। यानी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए। अब हो गया, अब इसको फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ 182 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो 1 का 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। अब ऐसे दो नंबर कौन से जिनका मल्टीप्लाई 182, 14 × 13 जो अभी क्वेश्चन नंबर अभी पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, टू वाले क्वेश्चन में 14 और 13 को ऐड करेंगे 27, और 14 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। देखिए वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 14y और माइनस 13y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से आपका वाई कॉमन है, तो यहां से आपका वाई बचा माइनस का 14। अब इस वाले ब्रैकेट में भी वाई माइनस 14 आएगा, दोनों में से कॉमन कितना हुआ 13 इज इक्वल टू 0। अब वाई माइनस 13 दोनों में से एक नंबर, वाई माइनस 14, इस वाई को लिखेंगे माइनस 13 के साथ इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे, वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देन वाई इज इक्वल टू 14, एक वाई की वैल्यू ये हो गई। दूसरी वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 13, दूसरी वैल्यू वाई की ये हो गई। अब देखिए जब वाई की वैल्यू दो हैं तो एक्स की वैल्यू भी दो होंगी, इस दोनों वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो देखिए एक्स इक्वल टू 182 अपॉन वाई, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो एक्स इज इक्वल टू 182 अपॉन वाई, पहले वाई के स्थान पर 14 लिखेंगे पहले, तो 14 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 वाई, यानी एक्स इक्वल टू 13। अब एक्स इक्वल टू 182 अपॉन, अब वाई के स्थान पर 13 लिखेंगे तो 13 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 14, तो एक्स की दूसरी वैल्यू आपकी 14। तो कुल मिला के
आपको फाइंड टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स आपको फाइंड करने थे। तो टू नंबर्स आपके कौन से हुए, 13 और 14, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 13 14 है, वाई की वैल्यू भी 13 14 है, तो कुल मिला के रिक्वायर्ड जो नंबर है वो 13 और 14 है। ये आपका आंसर है, यही नंबर फाइंड करने थे। स्टूडेंट मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम होज स्क्वायर इज 365। तो पहले यहां सॉल्व लिखेंगे, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड एक्स प्लस वन है। ध्यान रखिए कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पहले से दूसरा जो मान लेट किया जाता है वो एक ग्रेटर देन, एक अधिक लेट किया जाता है। पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन, यदि पहला एक्स प्लस वन लेंगे तो दूसरा एक्स प्लस टू लेंगे। पहले से दूसरा जो टर्म्स है वो एक ग्रेटर देन यानी अधिक लिया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इनका होज स्क्वायर इज, सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365, यानी इसका दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपको 365। क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का सम और स्क्वायर भी 365 है, तो एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपका देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी 2x × 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका 2x² हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2x इज इक्वल टू 365। 2x² 2x को पहले इधर लिखेंगे प्लस 1 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस का बने माइनस के 365 है तो माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 बन जा 2 और 2 से 2 बन जा 2, 2 जा 16, 2 2 जा 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। जी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 182 है, 182 अभी पिछले वाले थर्ड में भी आया था, तो ऐसे हमारे पास दो नंबर 14 और 13 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 182 हो जाएगा और 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से आपका x कॉमन है तो यहाँ से x बचा प्लस 14 माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट में भी x प्लस 14 आएगा तो इन दोनों में से कॉमन कितना हुआ 13। अब x प्लस 14 दोनों में से एक नंबर, और इस x को लिखेंगे माइनस 13 के साथ, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस 14। अब इसको एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 13। तो देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो आपका क्या है, सम ऑफ होज स्क्वायर, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमेशा प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते, इसको कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू 13 है, ये आपकी राइट वैल्यू है। देखिए x इक्वल टू 13, दूसरी वैल्यू आपकी क्या होगी, दूसरा क्या नंबर है, x प्लस 1 है, तो x मीन 13 प्लस 1 यानी 14। तो टू नंबर्स आपके कौन कौन से हैं,
यानी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आपके आए हैं पॉजिटिव 13 एंड 14, यही आपका आंसर है। आप देखिए इसका एक जो है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और है। फिफ्थ क्वेश्चन आप जो है कोशिश करके देखना, द एटीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स, आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एटीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। आपको मैं बता रहा हूं एटीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। सबसे पहले देखिए मैं राइट ट्रायंगल बनाता हूं, ये आपका राइट ट्रायंगल है, इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी। अब देखिए क्या कहा गया है, द एटीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी इसका एटीट्यूड मीन्स हाइट है वो बेस से कितना है, लेस देन 7 सेंटीमीटर, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे मैंने बेस एक्स ले लिया तो एटीट्यूड आपका हो जाएगा एक्स माइनस 7, और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, ये आपको साइड दिए 13 सेंटीमीटर। और फाइंड अदर टू साइड, यानी अदर टू साइड मीन्स बी सी और ए बी, यानी ए बी एंड बी सी, ये दोनों साइड आपको फाइंड करके लानी है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, राइट एंगल है तो राइट एंगल में आपको ये दो साइड फाइंड करनी हो, तीसरी साइड आपको दी है तो अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपका ए सी हाइपोटेनस है, बेस बी सी है और परपेंडिकुलर ए बी है। तो ए सी मीन्स आपको दिया है 13 स्क्वायर, बेस है आपका एक्स स्क्वायर और ए बी है आपका एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आप खोल दीजिए तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी 2 7 14x। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x² प्लस 49 माइनस का 14x। अब देखिए 2x² माइनस का 14x प्लस 49, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस का 14x, ये देखो प्लस का 49 है माइनस का 169 है, तो माइनस के कितने बचेंगे देखिए, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 2 122। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं तो 2 का डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन दी बोथ साइड, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 2 से ये 7 बार कैंसिल और 2 से ये 60 बार कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लीजिए, यहाँ 7 लाना है तो देखिए ऐसे दो नंबर 5 और 12 या 60 लाना है और 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर या माइनस के 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से आपका x कॉमन है तो यहाँ से x माइनस 12, अब इन दोनों में से आपका 5 कॉमन है तो यहाँ भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 दोनों में से एक नंबर और इस x को लिखेंगे 5 के साथ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। दूसरी अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 5।
तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव इसको तो कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि ट्रायंगल की जो साइड वो माइनस में नहीं होती, पॉजिटिव में होती है, तो इसको अपन छोड़ देंगे। तो एक्स की वैल्यू 12y है, ये आपकी करेक्ट वैल्यू है। अब इसकी हेल्प से ए बी और बी सी साइड फाइंड करेंगे। देखिए ए बी इज इक्वल टू कितना है,